तहरीक इंसाफ के रहनुमा सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने मुस्लिम लीग नून को सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला करने का चैलेंज दिया है। कहते हैं मुकाबला करना है तो सियासी मैदान में करें, झूठे मुकदमात से कुछ हासिल नहीं होगा। शौकत यूसुफजई ने पिशावर में बोली उसके नुमाइंदे मोहम्मद नुमान से गुफ्तगु में मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जी, तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ जो अपोजिशन की जानिब से और जो वफाकी हुकूमत है उनकी जानिब से एक बाकायदा साजिश के तहत एक कहा जा रहा है कि एक कैंपेन शुरू की गई है उनको बदनाम करने के लिए, ख़ास तौर पर मजहब का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ ये साजिश की जा रही है। इस वजह से जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उसने इसको अब कानूनी तौर पर टैकल करने का फैसला कर लिया। और इसी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। इस सिलसिले में पिशावर के एक मकामी थाने में एफआईआर भी हुई है। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और एफआईआर में किस किस को नॉमिनेट किया गया है। देखिए, पहली बात है, बड़ी अफसोस की बात है कि हम एक इस्लामी मुल्क हैं और यहाँ पर हम स्पीच की आज़ादी की बात करते हैं और 13 जमातें मिलकर एक पार्टी के खिलाफ खड़ी हुई हैं, लेकिन मैदान में वो उनका मुकाबला नहीं कर सकती। जी, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब की बातें आपने सुनी। और इनका ये कहना है कि ये जो जाली मुकदमात बनाए जा रहे हैं, हर जो लीगल फोरम है और जो सियासी मैदान, इन्होंने एक किस्म का चैलेंज भी किया है कि वो सियासत में आकर इसका मुकाबला करें, ना कि जाली मुकदमात बनाए, इसका ये भरपूर अंदाज में सामना करें। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नुमान हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। मैं हूँ इमरान रियाज खान, अब आप उन्हें देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज। इमरान रियाज खान साहब जो है वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर वन पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।